हमके तो रहा परफॉर्मेंस जैसन पहले के रहर वैसन आज भी लागल एकदम जोरदार धमाकेदार। हम आपसे पूछब, आपके पता बा कि ना कि दोनों जजेस में से केहू एक के नंबर आपके जाने के हुए। चलिए तो न्याय मंडल से कमेंट जाने के चाह राजेश जी। अच्छा रहल तार सही पूछत नहीं तो हम तो इंजॉय तो कैनी है जो पहले कैने रही इसे पिछला बार में ओकरा से तनका से कम एक आध जगह ठीक कहते नहीं हम बिल्कुल हमारा लागत था कि केकरो कमी खलत आज हमारे पापा की तबे हम सोचते थे कि भाई हतना दमदार आवाज कैसे आज तनी ढीला ढाला हो गई वो काहे खातिर क्योंकि हमारे पापा हमारे साथ हमेशा जागरण किया करते हैं। अच्छा तो वो हमारे इंस्पिरेशन है वो आज है नहीं उनकी वजह से थोड़ी मुझे खल रही है बट आई मिस यू पापा। तम इहे से राहुल पापा के सलाम कर तनी वो धन्यवाद के पात्र बाड़न कि भाई तारा इतना सपोर्ट करता हूँ लेकिन दावेदारी तो ठोके के पड़ी। हाँ बिल्कुल है ना तो हम उम्मीद करते नहीं कि रुआ बनल रहब और झंडा फहराए। बिल्कुल आकांक्षा बेटा आवाज थकी हुई है क्या आज? थोड़ी बहुत मैं लगी मुझे तुम जब गा रही थी तो मुझे ये महसूस हो रहा था एहसास हो रहा था कि आवाज थकी है सिंगर तुम जोरदार हो और इसमें तुम्हारा मतलब कोई दोष ही नहीं तुम तुरुप का एक का तो हो। थैंक यू। देवरिया के निगम जी के मिलल रहे जजेस से 8 नंबर। अब आपके क्या उम्मीद बा? मुझे भी काफी उम्मीद है कि मुझे भी मिलना चाहिए बाकी ओकरा से ज्यादा या कम? ज्यादा भी हो सकता है। हो सकता है तो चलिए आप बताएं कि आप किन से जाने के चाह? राजेश सर तुहार दमदार आवाज बा तुहरा से उम्मीदो बहुत रहल हमरा और उम्मीद बनल बा 10 में 7। क्या लगा था आपके कि आप 7 नंबर पाके जंग में आगे बढ़ पाए कि चल जाए? नहीं मुझे लग रहा है कि मैं आगे बढ़ूंगी बाकी और आगे देख लेती हूँ क्या होता है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। देख लेती हूँ बहुत देर से हम सुनती हूँ काहे ऐसे आप बोल रही हैं? है? कहाँ से हैं आप? भागलपुर से तो काहे के लिए यार जिला का नाम हंसा बता रही है? तो अंगिका में बात करूं? अरे जरूर करना चाहिए। हमरा के मिलते है नंबर वा पक्का मिलते है पक्का कोई नहीं रोकते है। अच्छा सुन कोई नहीं रोकते है। अपना पापा के कुछ कहे चाहे छो तो हाँ यहाँ से हाँ कह दो पापा आई लव यू एंड आई ऑलवेज लव यू। नहीं कोई लव यू फब यू नहीं चलेगा बोलिए जरा अपने भाषा में बोलिए अपने जिला के भाषा में बोलिए। पापा हम तोहर नाम रोशन करके यहाँ से जेबे और अपन भागलपुर के नाम रोशन करबे ये हमरा पे बहुत कमान बा और ये करके जेबे हमें यहाँ से। बहुत बढ़िया अच्छा लगा आपके मुंह से सुन के। तो मनोहर जी आपके इंतजार कर रहे बाड़े तो आपके कहाँ जाए के चाहिए? बैक स्टेज जाए। बाय बाय ऑल द बेस्ट। तोहार भागलपुर जिला देवरिया जिला पर भारी पड़ी कि हल्लू? बिल्कुल बिल्कुल पड़ी कैसे ना पड़ी बहुत अच्छा गा के आयल बनी हम भी हमरा। लेकिन 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 जज लोग तोरा 7 नंबर देले बा देवरिया के 8 नंबर पूर्णिमा जी से का उम्मीद बाटे तोहार? हमरा पूर्णिमा जी से बहुत उम्मीद बा कि वो हमरा अच्छा नंबर दियन और हम आगे बढ़म बिल्कुल बढ़म। जिला टॉप बने के सुर के जंग के दूसरा चरण में अब आ रहल बाड़न
जिला पटना के प्रतिनिधि प्रवाल रंजन, न्यायाधीश इनकरा के आवाज के प्लेबैक आवाज कह के नवाजल रहले। का इनकर परफॉर्मेंस पिछली बार से भी बेहतर होई? तो जोरदार ताली से स्वागत करी बिहार राज्य के राजधानी पटना से प्रवाल रंजन के। परवल बोल देते हैं, कभी प्रभात बोल देते हैं। आप इसका मतलब बताइए। इसका मतलब हमको ही नहीं मालूम था, तो पूछना पड़ा पापा से। तो वो बताया कि प्रवाल मींस मूंगा होता है। मूंगा? हाँ। अच्छा, चलिए न्याय मंडल जी के पास कमेंट खातिर। राजेश जी, पहले ही हम सब कहने तरह कि भाई एगो प्लेबैक के साउंड जो होला पार्श्व गायन के, वो भगवान की कृपा से तरह गला में बा जंग जे छिड़ल बा वो सुर के जंग हो, और अपन अपन जिला के नेतृत्व सब करत है। तो सीरियसनेस तो ठीक हो, गायकी में सीरियसनेस दिखे के चाहिए, तो उस सीरियसनेस कम दिखल आज हमारा। ये के साथ ढेर सारा शुभकामना तरह के, ठीक बा? धन्यवाद सर। प्रभाल, मैं तो फैन हूँ तुम्हारे। वो इसीलिए नहीं, उसका कारण ये है बेटा कि आप जब गाते हो, आप जो एक्सप्रेशंस देते हो ना, वो इतनी मतलब आप आराम से देते हो, कहीं भी एफर्ट नहीं लगता, आपकी कोशिश नहीं लगती है, मतलब आपके फेशियल एक्सप्रेशंस या आपकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं नहीं लगता कि आप एक्सप्रेशन ये दे रहे हो या ये कुछ, मतलब अक्सर हम सब से होता है जब हम एक्सप्रेशंस देते हैं, और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बेटा। I'm sure तुम बहुत तरक्की करोगे एक दिन। धन्यवाद मैम। क्या बात है, जोरदार ताली। अच्छा प्रवाल, एक बात बताएं, देवरिया के निगम सिंह के कहाँ नंबर रहे आपके पता बा? हाँ। आकांक्षा के पता बा?
भागलपुर से। तो आपकी का लगता कि आप देवरिया से ऊपर जाए कि भागलपुर के नीचे चल जाए? हमारा तो लगा था कि हम दोनों से ऊपर जाए, पटना के कहे कि पटना के आगे जाए के बना। क्या बात है, क्या बात है। तो अब हम आपसे चाहब कि आप पूछी जिनसे पूछे के बाद आप नंबर। राजेश सर बहुत चालू है भाई, तो बहुत चालू है। 10 में 7 जिला के खातिर जान लड़ाई, जिला टॉप हम बन के आए। नंबर तो मैम के एंड में ही पता चली आपके, ठीक बाटे। तो ऑल द बेस्ट इस जंग खातिर। सवाल भाई, अरे यार आज तो जज लोग के रुख बड़ा तीखा रहल हो। राजेश जी तोरा 7 नंबर दे, एकरा पहले भी 7 नंबर मिलल, ओकरा पहले 8 नंबर मिलल, सबकरा 7 नंबर। पूर्णिमा जी से का उम्मीद करता रहतू? पूर्णिमा जी से थोड़ा मनी अच्छा उम्मीद बा, कहे कि वो हमारा फैन बाड़ी। अच्छा हाँ, तो कुछ अंक ज्यादा मिली उनका। 3 जिला देवरिया, जिला भागलपुर, जिला पटना के सुरमा आपन प्रस्तुति से मंच पे आग लगा देले। न्याय मंडल के कमेंट से भी बहुत कुछ पता चल रहल बा। फैसला तो आखिरी में हुई, जब हुई नंबर के खुलासा। अभी भी बाकी बाड़न 2 जिला और धमाकेदार परफॉर्मेंस खाते। 3 जिला के लाजवाब प्रस्तुति भइल। तीनों जिला में एक दूसरा से आगे निकले के होड़ में दिखले। ये सब देख के ई कहल मुश्किल बा कि कौन जिला टिकी और कौन जिला जाई वापस। इता आवे वाला 2 जिला के बाद ही पता चली। अब बारी बा 4th जिला के प्रतिभागी के। न्याय मंडल इनकरा के कहले रहले कि इनकरा आवाज में गांव के मिट्टी के सुगंध बा। और ऊ जिला बा जिला मऊ का। जिला मऊ के सोनी सिन्हा अपन पिछला परफॉर्मेंस से बेहतर परफॉर्मेंस देकर पेश कर पाई बाकी सब जिला के चुनौती के। तो स्वागत कइल जाओ मऊनाथ भंजन के प्रतिनिधि सोनी सिन्हा के। हमरा प्यार के काला कबूल हो,
बदन में चोट लागे घाव करे कभी। एक बार फिर से गाइए और वो करके दिखाइए जो आपने किया था। चलिए बहुत ज्यादा अच्छा। ये बताएं कि आपके जिला मऊ आज जंग में कहां तक जाए, का आपके पता बा कि देवरिया दूध वाला जी उनके नंबर आज सबसे ज्यादा बा अभी तक, का उनसे आप आगे जा पाई? हम अपना मऊ से यासरा लेके आल बनी, आस लेके आल बनी, अभी कहतनी कि सब जिला के पछाड़ के यानी सब जिला से ज्यादा हमरा के नाम। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार ताली। कॉन्फिडेंस तो एकदम कच बात है। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है बाबू। ज्यादा आपसे कमेंट नहीं की कल चाहत, लेकिन फिर भी बता दी हर चाहत नहीं कि जे सब माहौल में दुख और सुख विपत्ति के झेले रहला ओ की हर चीज याद रहला कि कोना समय का करे के चाहिए और का ना करे के चाहिए, कोना समय का बोले के चाहिए, हम दुख सुख विपत्ति सब के झेले बनी। तो चलिए अब चलन जाओ न्याय मंडल के कमेंट खातिर। जी जी पूर्णिमा जी। सुनी तुम गाती तो बहुत अच्छा हो बेटा जी। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम मूड में नहीं गा रही थी? गा रही थी ये बात नहीं, तुम गा रही थी, जगहें भी सब ले रही थी सही जैसे लेना चाहिए। एक्स्ट्रा एक जोश जो पिछली बार दिखा था ना जी, वो आज मुझे नहीं नजर आया। लेकिन इसके बारे में कोई दो राय नहीं कि तुम एक बहुत पावरफुल सिंगर। अब चली राजेश जी के पास। इतहार आवाज के साथ साथ जैसे पूर्णिमा जी कहलन है के दमदार आवाज होता है प्रभु की कृपा से। गाना बजाना में कहल जाला कि निर्लज्ज गावे, तो निर्लज्जता जब होला वो बहुत जरूरी बात। लेकिन ठीक रहला ऐसा कोनो बात नहीं की, बढ़िया रहला। और हम आशा करते नहीं कि दावेदारी ठुकवा फिर से हमला करबो तो वापस वापसी आई तू जिया जुग जुग जिया जी। धन्यवाद। किनके मार्क्स जानना चाहे? सब लोग आदरणीय राजेश गुरुजी के चुनल रहा, लेकिन हम चाहते नहीं कि कुछ नया चीज हो के हम पूर्णिमा दीदी के चुनते नहीं। पूर्णिमा जी। बेटा मैंने तुम्हें 7 मार्क्स दिए आज। जिला की खातिर जान लड़ाई, जिला टॉप हम बन के आए। कैसे लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। चलिए अब आगे के जंग खातिर आपके ऑल द बेस्ट जी। जाएंगे बैक स्टेज पे मनोहर आपके साथ।